सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे सर? मेरा पिछले 3 कार्यकाल का जो कार्य रहा है उस कार्य को देखते हुए कुछ काम बाकी रह गए हैं। मैं 10 साल तक तो कांग्रेस के शासन में रहा, जहां पूरा बीजेपी विधायकों की उपेक्षा का अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया इस सरकार ने। लेकिन फिर भी मैंने अपने एक कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज, हमारे MCH हॉस्पिटल, पूरा मातृ एवं शिशु अस्पताल, पूरा जो चिकित्सालय है MG का, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय बन चुका, आज एक भूल भुलैया जितना विकास उसमें हो चुका है कि आदमी जाता है तो वो वापस निकलने में किधर से निकलूं, इतना बड़ा विस्तार हो चुका है। इसके अलावा एग्रीकल्चर कॉलेज हमने नया शुरू करवाया भिलवाड़ा में, हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज नया शुरू करवाया, हमने BSc नर्सिंग कॉलेज शुरू करवाया, सीवरेज लेके आए हम 800 करोड़ रुपए की। और जो कांग्रेस सरकार ने अपने पहले बजट में 2008 में घोषणा की थी कि हम भिलवाड़ा को चंबल का पानी देंगे, 5 साल उन्होंने पूरा निकाल दिया, उनका शासन चला गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शासन में कांग्रेस की घोषणा को हमने पूरा करवाया है और 3 साल में लगातार काम करके चंबल का पानी हमारे शासन काल में भिलवाड़ा में पहुंचाया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? हाँ, ये मेरे कार्यकाल की उपलब्धियां हैं। सांगानेर में हाई लेवल ब्रिज हमने पास करवाया और उसके अलावा कई ऐसे कार्य जितने पार्कों में ओपन जिम लगवाए, स्कूलों में हमने फर्नीचर की व्यवस्थाएं करवाई, कंप्यूटरों की व्यवस्था करवाई। अब जो काम बाकी बचे हैं भिलवाड़ा शहर में, अगले चुनाव में मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरी पार्टी ने जो मुझ में विश्वास व्यक्त किया है, ये जो ओवर ब्रिज आरोपी का मुद्दा है, ये मुद्दा भी सबसे पहले मैंने 10 साल पहले शुरुआत की थी और जिंदल का जो गंदा पानी दिया जाता था उसका हमने विरोध करके रुकवाया, फ्री में दिया था, उसको 30 करोड़ का एग्रीमेंट नगर परिषद में बैठ के करवाया और वो आरोपी बनाने के लिए वो कमिटेड थे। लेकिन इन्होंने जब देखा कि अब तो सारा काम सही हो गया और इसको आरोपी बनाना पड़ेगा, तो इसने एक आदमी खड़ा करके NGT में जाके स्टे लिया, इस कारण से रुका हुआ है। जो ट्रैफिक की समस्या है और ये आरओबी और एलिवेटेड रोड की समस्या है, ये हमारे अजमेर पुलिया को चौड़ा करने की समस्या है, इन सब समस्याओं को अगले कार्यकाल में पूरे भिलवाड़ा शहर देखेगा कि हम पूरी करेंगे। तो जीत का चौका लग जाएगा सर? बिल्कुल लगेगा और पहले से ज्यादा वोटों से लगेगा। तो आप आश्वस्त हो? मैं आश्वस्त हूँ, पब्लिक का जो आशीर्वाद है हमको, हमारी पार्टी को, और मोदी जी और योगी जी का जो प्रभाव है उसके कारण से सब जगह कमल का फूल खिलेगा और आनंद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार में हम जनसेवा मजबूती से करेंगे। सर, टिकट मांगना सभी का अधिकार है, कुछ राजनेता विरोध कर रहे हैं आपका, ये लोकतांत्रिक अधिकार है और सब जो दावेदार होते हैं उनके मन में रहती है भाई हमको भी टिकट मिले, हमको भी टिकट मिले। हमारे ऐसे कोई लंबी खींचतान वाली मैटर नहीं है। जो विरोध छोटा मोटा होता है उसको हम बैठ के सेटअप करेंगे और उनको सब सब काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है।